अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। हम कुछ ज्यादा ही बोल गए गुस्से में, सॉरी, माफ कर दे यार। पागल हो गया क्या? बचपन की दोस्ती को सॉरी बोल के पराया बना रहा है। चिकनी पर भड़क गया था, पर क्यों? और ये दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? चल हम डॉक्टर से मिलके आते हैं, उनसे पूछे तो सही कि ये नवाब ज्यादा नींद से जागने की कोशिश भी कर रहा है या फिर हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। हम आते हैं। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। 50 लाख रुपए में इसने तुम्हारा सौदा किया था। केसर, हमारी बात को समझने की कोशिश करो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें बात रखने का एक मौका तो दे दो। अगर तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी कबीर की सच्चाई का एहसास हुआ हो ना, तो एक बार जरूर सोचना क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कच्ची थी कि उसका सौदा हो पाता। कबीर ने ये सब मच्छन को बचाने के लिए किया था ना? केसर, तुम यहां? तुमने कहा था ना कि मैं ये सोचूं कि मेरे बचपन के दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस वही सच ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक आ गई। पर अगर तुम सबको बच्चन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? कभी सीधे सीधे मुझसे भी तो बात कर सकता था। मुझे किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया उसने? तुम मुझे पूरी बात बताओगे जिग्नी, या मैं कबीर से कह दूं कि तुमने मुझे यहां आने के लिए कहा था? नहीं केसर, ऐसा मत करना प्लीज। हमारी मस्त कलंदर टोली को पहले ही बहुत बुरी नजर लग चुकी है। तो फिर मुझे बताओ कि कबीर ने मुझे किडनैप करने का वो स्टूपिड प्लान क्यों बनाया? बताओ। कबीर को क्वीन के गुंडों ने ऑफर किया था कि वो तुम्हें किडनैप करे। पहली बार तो कबीर बहुत भड़का, लेकिन बाद में उसने हाँ कर दिया था ताकि वो क्वीन की गैंग की जड़ों तक पहुंचे और पक्के सबूतों के साथ में उन सबको पुलिस को पकड़वा पाए। और ऊपर से इस बात का भी डर था कि अगर कबीर ने क्वीन की बात नहीं मानी तो क्वीन तुम्हें किडनैप करने का ठेका किसी और को दे देगी। अगर ऐसा होता तो कबीर के लिए तुम्हें बचाना और भी मुश्किल हो जाता। इसी बीच दशहरे पे मच्छन का एक्सीडेंट हो गया और उसके इलाज के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी और हम सब लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। तब क्वीन ने हमें कहा कि मच्छन के इलाज के लिए वो 50 लाख रुपए दे देगी, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि कबीर तुरंत मुझे किडनैप करे। कबीर ने प्लान बनाया कि वो मच्छन के इलाज के लिए क्वीन से पैसे भी ले लेगा और तुम्हें किडनैप करने का झांसा देकर वो उन सबको जेल भिजवा देगा। और ऐसा उसने किया भी, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ जंगल में हर वक्त था।
अब तुम ही बताओ केसर, अगर कबीर ने वाकई तुम्हारी दोस्ती का सौदा किया होता तो वो तुम्हें क्वीन से क्यों बचाता? केसर, केसर सुनो तो, केसर अंजब, और कोई भी चलाकी करने की कोशिश मत करना। अरे मैंने क्या किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? शर्लक होम्स के स्टूडेंट एंड वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव अंश राजगौर से कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है आरती यादव। डिटेक्टिव अंश को पता चल चुका है कि तुम्हारा मूड खराब क्यों है। इनफैक्ट मेरे पास एक बहुत सॉलिड प्लान है तुम्हारे इस फेस के फ्राउन को स्माइल में बदलने का। वही स्माइल जो हमारे फेवरेट कैफे के वेटर को भी पसंद है और मुझे भी। अंश भाई को तुम पे तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मोक्ष और उसके भाई से तुम्हें बचा ली। लेकिन उनके तरस खाने को अगर तुम प्यार समझने की गलती कर बैठी ना, तो तुम्हारे हिस्से सिर्फ हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट ही आएगी। अंश तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो उन फ्रॉड से बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन उसके लिए कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हूँ। अब प्लीज पीछा छोड़ दो मेरा। आरती तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? आई नो ध्रुवी ने तुमसे कुछ कहा इसलिए तुम ऐसे डिस्टेंट बिहेव कर रही हो, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी जिंदगी में किसी को इतना हक दो ही मत कि वो तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस को इम्पैक्ट कर पाए। ये तुम्हारी लाइफ है आरती, तो चॉइस भी तुम्हारी होनी चाहिए। कोई मेरी लाइफ की चॉइसेस इम्पैक्ट नहीं कर सकता अंश, ये मेरी चॉइस है, मेरी। अब प्लीज Leave me alone. आरती, ध्रुवी तुम ही बताओ कैसे, अगर कबीर ने वाकई तुम्हारी दोस्ती का सौदा किया होता तो वो तुम्हें क्वीन से क्यों बचाता? कबीर इतनी बुरी हालतों से जूझ रहा था और मैं उसे कितना बुरा भला कहती रही, जिसे बचपन से दोस्त कहते थे उसका ही सौदा कर लिया तुमने। अपने गुस्से और दुख में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि ये समझ ही नहीं पाई कि कबीर पर क्या गुजर रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।